इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले थाना सौजना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीतापुर से आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल ये झगड़ा पुरानी रंजिश बजाने को लेकर हुआ है, जिसमें एक नाबालिग किशोरी के साथ के छेड़छाड़ और उसके कपड़े फाड़ने का भी आरोप जड़ा गया है और इस मनगढ़ंत कहानी में दर्शाया भी गया है। आपको बताते चलें कि ललितपुर जिले में इन दिनों छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपने ही परिवार की महिलाओं एवं बच्चियों को फर्जी आरोप लगवाने में बिल्कुल भी नहीं झक रहे हैं और आरोप पर आरोप जड़ते जा रहे हैं। उसी क्रम के चलते यहां भी एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से मेहरोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ललितपुर पुलिस अनिल कुमार का क्या है कहना, देखिए रिपोर्ट में। थाना सौजना अंतर्गत मजरा सीतापुर में आज प्रेमलाल कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के परिवारों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर यूपी 112 की पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जब पीआरवी मौके पर पहुंची तो घायल प्रेमपाल की पुत्री संध्या द्वारा बताया गया कि उसके माता पिता को संतोष कुशवाहा और उसके परिवार वालों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया है तथा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। पीआरवी की सूचना पर सौजना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और प्रकरण के संबंध में जांच प्रारंभ कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विपक्षी अरविंद द्वारा घायल प्रेमलाल और उसके परिजनों के विरुद्ध 2023 में मुकदमा अपराध संख्या 923/23 धारा 452 323 504 506 IPC पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 1/4/2024 को इसी अभियोग में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के क्रम में घायल प्रेमलाल के भाई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी बात से दोनों पक्षों के बीच आक्रोश व्याप्त था, जिसकी परिणति आज मारपीट के रूप में हुई। घायल प्रेमलाल की पुत्री संध्या के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हुई है, महज अपने पक्ष को मजबूत बनाने के उद्देश्य से छेड़छाड़ की बात जोड़ी जा रही है। उक्त घटना के संबंध में थाना सौजना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। पापा हार में मुंह रखाए थे, हम जारू खाना दे बेचारे थे, हमें छेड़खानी कर रहे थे, सो पापा बचाने के लिए आए, तो पापा को कलाई मार दी और फिर ट्रैक्टर चढ़ा था घोड़े पे। तो आप लोग खेत पे थे जी, रखवारी कर रहे थे वहाँ पे मूंग की जी।